ओके गाइस, सो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ लाइम रोड का न्यू अपडेट। तो लाइम रोड पे न्यू अपडेट आया है, कट द प्राइस। ये 90, 20 एंड 21 तक सेल चलेगा, यानी कि जब आप देख रहे हैं तब, कल और परसों, तो 3 दिन ये सेल चलने वाला है। तो बिना देरी के ये कट द प्राइस वाला कर लीजिए, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा एकदम फ्री में प्रोडक्ट। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में प्रोडक्ट। तो आपको करना क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पर जाके पहले साइन इन कर, लॉग इन कर लीजिए। उसके बाद जब कट द प्राइस पे आप क्लिक करेंगे साइड में जाके, तो उसके बाद ये सारे प्रोडक्ट खुल के आएंगे। इन प्रोडक्ट्स पे आप जब क्लिक करेंगे, जो भी प्रोडक्ट है आप देख सकते हैं, जो भी आपको पसंद है उन प्रोडक्ट्स को आप है ना अपने व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। तो मान लीजिए इसमें से कोई सा भी एक हम चूज़ कर लेते हैं, और उस पर जब हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर नंबर मांगेगा, तो नंबर आप अपना अपडेट कर दीजिए साइन इन या साइन अप करने के लिए। उसके बाद कोई भी एक प्रोडक्ट चूज़ कर लीजिए। मान लीजिए आपने 200 का एक लिया, तो 200 का अगर आपने लिया और यहाँ पे जाके आप व्हाट्सएप पे सेंड कर दिए अपना जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए, तो वो प्रोडक्ट अगर 200 का है और 20 लोगों को भेजा, उन लोगों ने अगर इस पर क्लिक किया, तो आपका उतना ही प्राइस लेस हो जाएगा, यानी कि एक बंदे से 20 रुपीज़ लेस हो जाएगा। 200 का प्रोडक्ट आपको जीरो में मिल जाएगा। सो आज ही लिंक डाउनलोड कीजिए, लिंक पे क्लिक कीजिए और जाके अपना मन पसंदीदा प्रोडक्ट। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ मॉर्निंग में आज दलिया और चाय, और ये ब्लॉग थोड़ा रुक के आया है, तो इसमें 2 दिन का मिक्स हो गया है, सो डोंट माइंड। एंड जो सेल के बारे में मैंने स्टार्टिंग में बताया है, वो आज कल और परसों 3 दिन चलने वाली है। सो प्लीज़ जाके लूट लो, फ्री का माल है, फ्री में ही मिलेगा अगर आप आपके एकदम से ज़ीरो बैलेंस अगर हो गया तो, ठीक है, फ्री में नहीं तो बहुत सस्ते में तो मिल ही जाना है। सो प्लीज़ बिना देरी के हुए जाके चेकआउट कर लीजिए। हे एवरीवन, आप लोग सोचो मैं क्या कर रही हूँ, मैं अपनी बेटी के सारे पिटारे उठा रही हूँ। ये देखो ये क्या है टैनी, तुम कितना परेशान करती हो, तुम ये क्या पहलाना पहलाया दे पूरा रूम। मैं जैसे जैसे ठीक करी थी तुमने सब नष्ट कर दिया। नहीं फैलाया, मैं परेशान हो जाती हूँ। बहला बहला के रख देती है लड़की, सच में परेशान कर देती है बहुत ही ज्यादा। नहीं फैलाया, सो अभी मेरा हाथ भी यहाँ से जल गया, अंगूठा पूरा जल गया इधर से, यहाँ से पता नहीं फलक होगा कि नहीं, मैंने अभी तो पेस्ट लगा लिया है, वो भी यही टहनी की वजह से हट नहीं रही थी सामने से, मैंने थाली पकड़ लिया। और आप लोग बताइए कैसे हैं, सारा दोपहर का लंच बन गया मेरा, मैंने बनाया आज, बनाया दाल भाजा आलू का। हाँ, दाल आलू भाजा पापड़। क्या आपको डांस करना है? मुझे डांस नहीं करना है, जा देखो अपना सब परेशान करके रखते हाथ। आजकल मैं चोटी बनाने लग गया ऐसे, गर्मी बहुत होगी ना इसलिए, बस और कोई रीजन नहीं, और कोई रीजन नहीं है। और सबके यहाँ बारिश वारिश कैसी हो रही है ये भी बताओ भैया, बताना बनता है। मैं पानी देने जा रही हूँ, पानी किसको देने जा रही हूँ, अपने प्लांट को, ये लीजिए। और टेनो देख रही है यहाँ पे भीम और बजराय पौने एक, तो सारा काम हो गया, आलू भाजे बन गया। सुबह नाश्ते में आज दलिया बनाया था, कुछ ज़्यादा वजन नहीं बनाया, और दही जमा दिया है, शाम को देखते हैं क्या बनाएंगे, कुछ समझ नहीं आता, कभी कभी ऐसा लगता है क्या बनाएं करके। और इस लड़की ने एक एक टॉय फैला के रखा है, इधर उधर इधर उधर सामान फैला के रखा है, इसका वर्क करा दो स्कूल का। चलिए, सो शाम के 5 बज रहे हैं, चाय बन रही है या मैं मिक्कू को पहले रात में दही देती थी, पर मुझे किसी ने बोला रात में नहीं दो, तो उसको शाम में थोड़ा सा दही उसका जो खाना था उसमें मिला के देते हैं। एकदम से हम ज़्यादा भी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर ज़्यादा दिया तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। अब बाकी का जमा हुआ दही हम फ्रिज में रख देंगे,
मिक्कू का आप शक्ल देख सकते हैं। क्या हो गया, हट हट, सुन लिया कर कभी कभी मम्मी की बात, है ना। छूना बच्चा है ना, छूना बच्चा, छूना बच्चा है ना मिक्कू, छूना बच्चा है। तू बैठता है तो दुबला लगता है, तू ऐसे देख, ऐसे अच्छा लग रहा है, गधा बनती करवा लो बस। तू ऐसे बैठता है ना दुबलू पुबलू लगता है। आपको एक चीज तो दिखाना भूली गई, ये देखिए मैं ये लेके आई विशाल से कुल्लड़। अरे कुल्लड़ में चाय पीने अच्छा लगता है, कुल्लड़ कुल्लड़ फूट गए मोटर में। एक जब देहात में गाने गाते हैं तो लांगुरिया जो होते हैं ना, जब नवरात्रों में गाए जाते हैं, जैसे कि ये मैंने धो तो दिए थे, माँच के रखे थे अच्छे से, तो एक कुल्लड़ लिए थे, इस पर वाइट निकल गया, तो ये कुल्लड़ लिए थे मैं। कोई मुझे मिस नहीं करता, कोई मुझसे जान पे नहीं मरता, मोटू चाय चाय इवनिंग चाय, गर्मा गर्म कुल्हड़ वाली चाय 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 चाय। क्या चाय पिएगा, हैं चाय पिएगा, शकल है तेरी चाय वाली, हैं शकल है तेरी, बस मुँह ही फाड़ता रही हो जिंदगी भर। तो मैं लेटी हूँ काम पूरा करके, बस खाना बाकी है, पहनी की भी चोटी बना दी, खाना खिला दिया उसका। ये क्या है, बैठना इधर बैठना, हेलो करती हुई आई हुई, ये क्या है, ये कुछ नहीं है। तो ठीक करो, पीछे घूमना, पीछे घूमो, पीछे घूमो, देख ले ये क्या हो रहा है, पीछे घूमो, छोटी दिखाओ अपनी छोटी छोटी, ऐसे देखा ये गो कूद कर पीछे। रात को ऐसे ऑयल डाल के कर देते हैं उसकी छोटी। और बस बैठी हूँ, और जल्दी आप लोगों को चूबी के नए फ्रेंड्स मिल देखने को मिलेंगे चूबी के चैनल पे। चूबी पढ़ती, अब इसको मैं मना करूँ भी तो किस चीज़ के लिए मना करूँ, मैं मना नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि देखो इसको पढ़ाई भी करने के लिए बोलो कर लेती है, जो चीज़ बोलो कर लेती है, ये नहीं आज जैसे काम स्कूल में मैम ने दिया तो वो भी कर लेगी, और एक्स्ट्रा बोलोगे ये कर लो तो पटा कर लेगी, खेलती भी रहेगी, तो ये जो बोलती है मैं उसको पूरा करके दे देती हूँ, कितना खुश हो रही है, जो ये बोलती है मैं उसका पूरा ख्वाहिश करके दे देती हूँ, अगर मेरे बजट में या मेरे कंट्रोल में है तो। और सब काम कर दिया, बस खाना खाना रह गया आज, पता नहीं क्यों तो वीकनेस रह रहा है। एंड थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने गलत वे में नहीं लिया है। थैंक यू सो मच। और एक यार मैं कहाँ मिक्कू पे चिल्लाती हूँ, मिक्कू को मैं इसलिए डांटती हूँ क्योंकि अगर जैसे मान लो हम कोई काम कर रहे हैं, किचन में आया तो उसको बोलना पड़ता है जाओ, ठीक है, अगर काम बिगाड़ रहा है, अगर मैं उसको नहीं रोकूंगी ना तो वो इसी तरीके से काम बिगाड़ेगा। मैं टेनी को भी बहुत डांटती हूँ कि क्यों उतारा तुमने, रखो वहाँ पे नीचे तुम्हारे बहुत सारे टॉय रखे हैं, कि तुम्हें ना मिक्कू को डांटना ही था तो उसको लेके क्यों आई,
तो ऑल टाइम ये तो नहीं है ना मैं उसको लाड़ दिखाती रहूं, फेक करती रहूं चैनल पे आके, मतलब आप लोग कैमरे के सामने मुझसे फेक नहीं होता है, ठीक है ना? तो प्लीज़ एक ही बात को ना बार बार रिपीट मत कराया करो। मैं कर चुकी हूँ, मैं बोल चुकी हूँ कि उसको डांटना, उसको अब कुशन फाड़ रहा है, अगर मैं रोकूंगी नहीं तो फटवा लूँ। उसको अलग दिया हुआ है, उसका बेड है, उसके टॉय है, उसका कुशन है, बिलीव नहीं है वो रखे हैं सारी चीज़ें, सारे उसके टॉय मैंने मंगाए, उसका बेड मैंने मंगाया, सारी चीज़ें मंगाई हैं, तो उसका सारा चीज़ अलग है। तो उसको ये सिखाया जाता है कि बेटा तुम्हारा वो है, ये मत लो वरना वो फाड़ देगा। तो घर का नुकसान थोड़े ना कराएंगे अगर हम कुछ भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि टहनी भी, अगर बच्चे भी आपके घर के नुकसान करते हैं तो आप लोग उनको भी डांटते हो, है ना? हेलो, टहनू कोई नुकसान करती है तो मैं उसको भी डांटती हूँ। तो आप लोग एक ही बात को मत बार बार देखो, उसको लेके क्यों आए, तो ये है तुमने ऐसा किया, तुम उसको डांटती रहती हो जब देखो तब। उसको प्यार भी हम लोग बहुत करते हैं। टहनी पर हाँ पढ़ाई करा लिया बस, बहुत है, इसको रख दो। ओ देखो वो मिकी मिकू रो रही है वो वाली, जाओ योर बेबी, ठीक है ना? तो बिना बात के ना ब्लेम मत किया करो कि तुमने ऐसा किया, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुम ऐसे डांटती हो। अब हर चीज़ तो कैमरे के सामने, मैं हर टाइम कैमरा देखी तो नहीं घूमती रहती कि बस कैमरा लिया, अरे मैं प्यार कर रही हूँ ला मिक्कू को दिखाती हूँ, मैं प्यार कर रही हूँ ला मिक्कू को दिखाती हूँ, जो मैं एक्चुअल में हूँ, जो मैं करती हूँ वो मैं दिखा देती हूँ। और उस पर नो लाइक, उस कॉमेंट पर नो लाइक, सबसे बड़ी मूर्खता तो ये है कि भाई अजीब लोग हैं लाइक उसका, मतलब अच्छे कमेंट पे लाइक नहीं देंगे, जो हेट कमेंट होगा उस पर नो लाइक देके चले जाएंगे। अजीब यार तुम लोग, अजीब हो बड़े, चिल्लाती हो ये करती हो। अगर मुझे यही शो ऑफ नहीं करना होता तो मैं तो क्यों चिल्लाती, क्यों बताती कि मैं डांटा ये किया वो किया। बाइट करता है, पैरों में काटता है, मतलब बहुत सारी चीजें करता है वो, तो उसको रोकना भी जरूरी है। सो चलिए हम लोग खाना खा लेते हैं। गुड मॉर्निंग अगेन, यहाँ पे मैंने बनाया पोहा ब्रेकफास्ट में। पता नहीं आप लोगों को इतना कलर डार्क क्यों दिख रहा है, एक मिनट, इतना डार्क कलर है नहीं जितना इस कैमरे में दिख रहा है। मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बन चुका है, बस इनके दाने की तैयारी है। और एक बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे कि हम लोग, मैं रोज़ अपना मतलब दही रोज़ यहाँ पर जमाती हूँ। कल मैंने सहजा जो बोलते हैं ना जमाने के लिए आगे निकालते हैं, वो नहीं निकाला, तो उससे ना अब मैं आज जो जमाऊँ दही वो कैसे जमाऊँ। वैसे तो मैंने सोचा है तो अपने पड़ोसन से मांगूंगी भाई से जल्दी दे, अगर होगा उसके बाद मुझे नहीं लगता होगा कि नहीं आए मेरे को, नहीं करो नहीं करो ठीक है, तो उससे मांगूंगी। और नहीं अगर उसके पास भी नहीं हुआ तो हस्बैंड को बोलना पड़ेगा प्लीज़ देते जाओ। वैसे हम लोग बैग लटका देते नीचे में, और मेको मान जा बेटा मत काट, सारे लोग बोलेंगे मैं तुझ पे चिल्लाती हूँ। अब देख लो ये मेरे पे चिल्ला रहा है, ठीक है? आप लोग बताइएगा अगर आपके आगे ऐसे कंडीशन आ जाती तो आप लोग क्या करते हो बताइएगा। कि अगर मेको पापा को उठा लो, आपके आगे ऐसी कंडीशन आ जाती, आपके आगे कंडीशन आ जाती है कि दही नहीं रहे और दही जमा, तो आप लोग क्या करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। हो गया रह रह के गुस्सा आ रहा है इसको बताने के। सो आज मैं फिर वो दाल ही बनाऊंगी, देखिए रात की मैंने दाल भिगो के रखी थी, इसको धो के अभी मुझे सुखा लेते हैं। चलिए
बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड अच्छे से रहिए, घर में रहिए, काम पड़े तभी बाहर जाइए, ओके, बाय बाय। हाँ तू भी बाय बोल, बाय 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 बाय।